गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट टू वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट टू वीडियो में हम लोग प्रमेय 10.2 पे हैं। चलिए देखते हैं प्रमेय क्या कह रहा है। कह रहा है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। हम लोग कह रहा है कि वृत्त के, अच्छा ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पे वो इसका केंद्र है। ठीक है, वो आपका केंद्र है। क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, मान लेते हैं इसका एक बाह्य बिंदु, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है P, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। अब इस बाह्य बिंदु से, आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना, इस तरह से एक ये हो जाएगी और दूसरी आपकी इधर हो जाएगी। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए। यह स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, तो यह पी ए और यह पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होंगी, बराबर होंगी, यही हमें साबित करके दिखाना है। तो पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया क्या है जी, तो ओ वृत्त का केंद्र है और पी ए और पी बी इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो लिखते हैं कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, यानी कि यहाँ पर पी ए जो होगा ना पी बी के बराबर होगा, या पी ए पी बी के बराबर होगा। चलिए इसमें एक काम करते हैं, रचना में क्या करते हैं, यहाँ देखिए क्या करते हैं, इस ओ से ए को मिलाते हैं, पी को भी मिलाते हैं और बी को भी मिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग मिला दिए और इनको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमने रचना की हुई है तो ये डॉटेड होना ही उचित रहेगा हमारे लिए। तो चलिए इनको मैंने डॉटेड कर दिया और यहाँ पे लिख दूंगा किसको किसको मिला है। तो यहाँ पे मिलाए हैं ओ पी ओ ए और ओ बी को मिलाया, इतना हम लोग काम किए हैं। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ बिंदु ए पर यह पी ए एक स्पर्श रेखा है ना, और यह ओ ए एक क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ओ ए जो है वृत्त की त्रिज्या है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि पी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है और ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है इस पे क्या होती है, लंब होती है। उसी तरह से यह भी इस पे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए लंब है आपके पी ए पर। इसी प्रकार यह वाला भी लंब हो जाएगा, ओ बी लंब हो जाएगा पी बी पर। अब चलिए एक काम करते हैं, अब दोनों इन त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में, पी ओ ए और पी ओ बी में इसको सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना, तो एक तो भैया ये लंब हो गया तो 90-90 हो जाएगा, तो एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90, प्रत्येक 90 है। चलिए लंब है तो 90-90 हो जाएंगे ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए ओ पी जो है दोनों में है, ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में है उभयनिष्ठ, देख लीजिए कॉमन है, ओ पी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में। और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा ओ ए बराबर में ओ बी, है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर होगी ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है।
त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो आपस में बराबर होंगी। तो त्रिभुज POA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज POBQ के। कैसे सर्वांगसम होगा? तो देखो एक राइट है, फिर हाइपोटेनस है, फिर साइड है, यानी कि ये हो जाएगा RHS से राइट हाइपोटेनस साइड। चलिए यानी कि सर्वांगसम हो जाने के बाद मैं PA बराबर में PB लिख सकता हूं। कैसे हो जाएगा PA बराबर PB? तो CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये आपके सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के कारण ये बराबर होगा, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसी से संबंधित एक उपप्रमेय है, इसका भी प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा करने वाले हैं, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। चलिए उसी प्रमेय से निकला हुआ है या उसका उपप्रमेय है, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखा खींची जाए, तो अभी तो हमने देखा कि वो स्पर्श रेखाएं बराबर हो जाएंगी, तब वह केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं और वे केंद्र और बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड के साथ समान कोण बनाते हैं। चलिए इसको मैं समझा देता हूं। पहले मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ, वृत्त का केंद्र मैं O ले लेता हूँ। अब इसके एक बाह्य बिंदु पिछले फिगर के जैसा ही, यहाँ पे एक बाह्य बिंदु P ले रहा हूँ। अब इस बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं मैं खींच रहा हूँ, एक PA और दूसरी स्पर्श रेखा इधर PB खींच देते हैं, PA और इधर PB, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। चलिए इसको समझिए थोड़ा सा, केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं कैसे, देखो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि वे केंद्र और बिंदु, जो बाह्य बिंदु थी उसको मिलाने वाली रेखाखंड के साथ समान कोण बनाते हैं, यानी कि यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होगा, ये भी हमें साबित करके दिखाना है। चलिए अब इसकी बारी है, तो पहले लिखते हैं दिया है में क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या किए हैं, तो हम लोग लिखे हैं कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। चलिए और क्या है, तो इसमें आपके क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, और इसको तो हम लोग मिलाए हैं अपने से, छोड़िए उतना ही रहने दीजिए। तो सिद्ध करना है पहले में क्या कह रहा है कि केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, यानी कि आपको दिखाना है कि एंगल AOP बराबर में एंगल BOP, और दूसरा क्या है एंगल APO बराबर में एंगल BPO। ठीक है, एंगल AOP बराबर में BOP ये दोनों कोण, और एंगल APO और BPO ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हमें साबित करना है। चलिए तो बहुत ही सिंपल सा इसका प्रमाण करना है, चलिए इसका प्रमाण देखो। मैं एक काम करता हूँ, दोनों त्रिभुजों को ले सकता हूँ, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। अच्छा यहाँ पे देखो ना, मैं ये ले सकता हूँ ना PA बराबर में PB, अभी जो प्रमेय मैंने साबित किया, आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, पहला चीज तो हो गया। अच्छा और दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ना आप OP बराबर OP कॉमन हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ। और तीसरा चीज हो जाएगा आपका OA बराबर में OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOP।
पी क्यू, कैसे? तो साइड 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 समरूपता से, सॉरी सर्वांग समता से, सर्वांग समता, तो सर्वांगसम हो गया यहां से, सर्वांगसमता से सर्वांगसम हो गया। आप आरएचएस वाले पिछले वाले को जैसे सर्वांगसम किया वैसे भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जब प्रमेय जान गए हैं कि वृत्त के बाद बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, इसी का प्रयोग कर दिए। चलिए तो यहां से हम सीपीसीटी से एंगल एओपी बराबर में एंगल बीओपी और एंगल एपीओ बराबर में एंगल बीपीओ हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कैसे, सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए तो यहां से ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गए ना। तो यही दो आपके बचे हुए थ्योरम थे, ठीक है। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां के क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो, मैं अगले वीडियो में ही आगे क्वेश्चन को बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। आप अदर सॉल्यूशन के लिए चाहे एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, केसीसी हो, जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको पूरा बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा।